यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में कवक से उत्पन्न सामान्य रोग है, कवक जो है वो किस प्रकार के रोग उत्पन्न करती है, मतलब कि जो कवक है वो किस तरह का रोग उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास है हैजा, महामारी, टाइफाइड और दाद। तो एक एक को हम देखते हैं। तो हैजे की बात करें तो हैजा जो होता है वो फैलता है आपका माइकोबैक्टीरियम कोलेरी से, ठीक है, कोलेरी, कोलेरा यानी कि हैजा, माइकोबैक्टीरियम कोलेरी से ये फेंकता है, ठीक है। महामारी जो है ये किसी वायरस के द्वारा भी फैल सकती है, जैसे कि अभी कोविड फैल रहा है, ठीक है, किसी बैक्टीरिया के द्वारा भी फैल सकती है और किसी फंगस के द्वारा भी फैल सकती है, ठीक है ना। ये महामारी, ये कहलाती है महामारी, ठीक है। फंगस के द्वारा ज्यादातर महामारी जो है वो प्लांट्स के अंदर फैलती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर महामारी फैलती है। जीवाणु और वायरस के द्वारा इंसानों में और जीवों के अंदर ये होती है, जैसे कि अभी वायरस के द्वारा चल रहा है कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 जो है एक महामारी है और ये महामारी वायरस के द्वारा फैली हुई। इसी तरह बैक्टीरिया से फैलती है जो प्लेग होता है, ठीक है, प्लेग ये भी एक महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो प्लेग हुआ, ठीक है, हैजा हुआ, ये भी एक महामारी है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैल रही है, तो ये भी एक महामारी का रूप धारण कर लेती है, कर लिया है इन्होंने, पहले पुराने जमाने में काफी फैली है ये चीजें, ठीक है। टाइफाइड जो है, ये टाइफाइड भी एक प्रकार की जो है बैक्टीरियल डिजीज है, किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम टाइफी, माइकोबैक्टीरियम टाइफी, इसके द्वारा ये रोग होता है, ये माइकोबैक्टीरियम कोलेरा के द्वारा होता है। तो ये तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। महामारी जो है वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई सबसे फैल सकती है, लेकिन हमसे पूछा गया है केवल कवक, कवक से उत्पन्न रोग जो होता है वो दाद होता है, जो कि मनुष्य के अंदर होता है, ठीक है, दाद, ये ध्यान रखना है, दाद जो है वो कवक के द्वारा होता है। ओके, थैंक यू।